दोस्तों, आज के दिन हम बात करने वाले हैं Realme 6s के बारे में, जो कि 26 मई को यूरोप में लॉन्च हो चुका है। अब इनका कीमत जो है इंडिया में क्या होने वाला है और इंडिया में कब लॉन्च होगा और इसका क्या है स्पेसिफिकेशन यानी फीचर क्या है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। मैं हूं गुरुदेव सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुदेव। और इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, Realme 6s जो है यूरोप में लॉन्च हो चुका है 26 मई को। तो या इसके बारे में अब फीचर के बात करते हैं, इंडिया में कब लॉन्च होगा, तो हम इसके बाद जो है आपको बीच में बता देंगे और इसका प्राइस भी बता देंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसका फीचर सबसे पहले है डिस्प्ले साइज जो आता है 6.5 इंच का जो है आ रहा है डिस्प्ले फुल HD डिस्प्ले के साथ, जो कि इसका रेजोल्यूशन है 1080x2400 यानी कि 1080 और गुना 2400 जो है पिक्सल का रेजोल्यूशन आ रहा है होगा। तो अब इनका जो है इसका जो है बॉडी कोरिना ग्लास 3 के लेयर के साथ आ रहा है, जो कि 95% जो है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ होगा। अब इनका बात करते हैं, इसमें जो है 12 nm मीडिया टेक हिलियो G90T SoC कपल्ड विथ माली G76 GPU का जो है इस्तेमाल किया गया है। और यह फ़ोन जो है एंड्रॉयड 10 पर Realme UI सिस्टम के साथ आ रहा है। और यह जो है इसका कनेक्टिविटी जो है डुअल 4G के साथ आ रहा है, यानी आप एग्जांपल के तौर पर जैसे आप जियो फ़ोन यूज कर रहे हैं तो आप दो फ़ोन यानी दो सिम एक बार यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। और अब बाद यह जो फ़ोन है इसमें ब्लूटूथ जो है 5.1 का इस्तेमाल किया गया है। और इसका कैमरा की बात करें तो 48 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसका रियर कैमरा बहुत ही अच्छा है, जो कि अच्छे रेंज में फ़ोन में मिलता है, जो कि रियलमी इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो कैमरा हमको बहुत ही अच्छा लगा। और अब इसका फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो इसका फ्रंट कैमरा जो है 16 मेगापिक्सल का है, जो कि बहुत ही अच्छा कैमरा है। इसका मैंने फ़ोटो देखा है खींचा हुआ, तो मैं हो सकता हूँ तो स्क्रीन पर भी दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं यूरोप में जो है इनका लॉन्च हुआ है, तो इनका यूरोप करेंसी में क्या दाम था और इसमें इंडिया में क्या होने वाला है। तो यूरोप में 99 के लगभग वहाँ लॉन्च हुआ है और इनका इंडिया में जो प्राइस जो है लगभग 16,500 होने वाला है। तो इसी के कीमत पर लॉन्च होगा। अब लॉन्च जो है डेट लगभग अनुमान के तहत यानी जानकारी लीक भी है, जो कि लॉन्च होगा 6 अगस्त 2020 को। और यह वेरिएंट जो आता है सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, अब देखिए आगे चल के दूसरा वेरिएंट में लॉन्च होता है या नहीं होगा, तो हम अगर होगा तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और यह जो है पहला इसका लॉन्च है 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ, और इसको जो है 256 GB का SD कार्ड के साथ बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों, यह फ़ोन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। इस फ़ोन से लेकर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको इनमें से क्या फीचर अच्छा लगा तो ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों, और वीडियो मेरा कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।